नमस्कार न्यूज 10 में आपनु स्वागत छे। आपनी साथे हूं छु चित्रा। बुलेटिन की शुरुआत करिए, बात करिए हवामानની। राज्य में आगामी 24 कलाक दरमियान भारे वरसादની आगाही व्यक्त करवामां आवी छे। राजस्थान और उत्तर गुजरात तरफ साइक्लोनिक सर्क्युलेशन सर्जायुं छे। साइक्लोनिक सर्क्युलेशन ने कारण राज्य में भारे वरसादની आगाही व्यक्त करवामां आवी छे। उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में भारे वरसादની आगाही व्यक्त करवामां आवी। 24 कलाक बाद वरसादની तीव्रता राज्यभर में ओछी थशे। राज्यभर में नैऋत्य चौमासाना आगमन बाद आज हवामान विभाग द्वारा राज्य में भारे वरसादनी आगाही व्यक्त करवामां आवी छे। कारण के एक साइक्लोनिक सर्क्युलेशन राजस्थान और उत्तर गुजरात तरफ है, जेना कारण राज्य में आज भारे वरसाद वरसी सके। सैटेलाइट इमेज थी आपने बताने प्रयास करूँ कि आज सैटेलाइट इमेज है तेमा स्पष्टपणे देखाई रही है कि राजस्थान और मध्य गुजरात तेमज उत्तर गुजरात ने जोड़ती एक साइक्लोनिक सर्क्युलेशन है। आ सीस्टम कारण उत्तर गुजरात जिल्लाओ, मध्य गुजरात जिल्लाओ, सौराष्ट्र और कच्छ में आज सामान्य तेमज भारे वरसाद की आगाही हवामान विभाग द्वारा व्यक्त करवामां आवी छे। मध्य गुजरात की जो बात करवामां आवे तो अमदावाद, आणंद सहित जिल्लाओ है त्या भारे वरसाद वरसी सके। साथ ज उत्तर गुजरात केटलाक जिल्लाओं में भारे वरसाद वरसी सके। आ बीजी एक इमेज पर अंदाजो लगामी शकाय छे कि मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात तरफ आ ट्राफनी आज साइक्लोनिक सर्क्युलेशन है तेनी असर वधारे रहेवानी छे। आज कारण थी आगामी 24 कलाक दरमियान राज्य में भारे वरसादनी आगाही हवामान विभाग द्वारा व्यक्त करवामां आवी छे। महत्वनुं छे के आ साइक्लोनिक सर्क्युलेशन नी सिस्टमनी असर आगामी 24 कलाक दरमियान ज रहेवानी छे, जेना कारणे 24 कलाक बाद राज्य में वरसादनुं जोर ओछुं थशे। साथे ज महाराष्ट्र थी केरला कोस्ट तरफ जे एक ट्राफ सर्जायेलो हतो, आ ऑफसर ट्राफनी असर पण आगामी 24 कलाक बाद ओछी थशे, जेना कारणे सौराष्ट्र अने दक्षिण गुजरात में पण वरसादनुं जोर ओछुं थशे। एकंदरे कहीए तो आगामी 24 कलाक बाद राज्य में वरसादनुं जोर ओछुं थशे, जेना कारणे गुजरात ने वधु सारो वरसाद मेळवा माटे वधु एक सिस्टमनी राह जोवी पड़शे। एटले के हवामान विभाग द्वारा फक्त 24 कलाक माटे राज्य में सारा तेमज भारे वरसादनी आगाही व्यक्त करवामां आवी छे। कैमरा पर्सन नटवर परमार साथे प्रतीक जाधव, टीवी 9 अमदावाद।